नमस्ते, मेरा नाम है गोविंद उडी और आज हम बात करेंगे मल्टीपर्पज़ पैकिंग मशीन के बारे में। मल्टीपर्पज़ पैकिंग मशीन, नाम सुनने में अजीब लगता होगा आपको, लेकिन ये मल्टीपर्पज़ पैकिंग मशीन है। यानी आप जो हॉल स्पाइसेस है, स्नैक्स यानी फूड्स जैसे नमकीन, कुरकुरे, ड्राई फ्रूट आपके, सॉरी ये हो गए, इसके साथ में ग्रैनुअल्स हो गए, आपके सभी तरह के दालें हो गई है, उसके साथ में चीनी है या चाय है या चावल है, ये सारे प्रोडक्ट पैकिंग करने के लिए शानदार मशीन है। और उन लोगों के लिए जो नया नमकीन का स्टार्टअप डालते हैं, या कोई चिप्स का काम करते हैं, या कोई सुपरमार्केट का जो काम करता है। सुपरमार्केट में आजकल क्या होता है कि पैकेजिंग 10 किलो 5 किलो की पैकिंग नहीं, सिर्फ 1 केजी या आपके 100 ग्राम 50 ग्राम की, ये सेचे पाउच बहुत बिकते हैं, उसको पैकिंग करने में टाइम भी लगता है। तो उसके लिए एक बेहतरीन मशीन है अस्ट्रा 56 वे मेट्रिक मशीन। ये 2 हेड की मशीन है, 2 इसमें कांटे लगे हुए हैं, 15 ग्राम से लेके आधा किलो तक आप पैकिंग कर सकते हैं इसके अंदर में। इसमें 2 डिस्प्ले वाला ये मशीन है, एक ये रिमोट डिस्प्ले जो है आपका पैकिंग मशीन को ऑपरेट करता है, दूसरा जो डिस्प्ले है पूरा वेइंग को कंट्रोल करता है। वेइंग का पूरा सब्जेक्ट अलग रखने के पीछे रीजन ये होता है कि वेइंग का जो सिग्नल होता है वो बहुत सेंसिटिव सिग्नल होता है, उसमें अर्थ वगैरह की जो अर्थ अगर थोड़ा सा भी बन जाता है या वायरू में अर्थ हो जाता है तो वो एरर जनरेट कर जाता है, कर देता है, जिससे क्या होता है वेट का जो एक्यूरेसी वगैरह सब दिखाता है ना वो अच्छा सा नहीं, अच्छा नहीं कर पाता है। इसके साथ में इस मशीन का जो आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वो फास्ट मिलता है, क्योंकि क्या होता है जो पैकिंग मशीन को चलाने के लिए ड्राइव इस्तेमाल की जाती है, ड्राइव, PLC और काफ़ी सारे वाल्व वगैरह होते हैं, तो ड्राइव में सबसे ज़्यादा नॉइज़ होते हैं। वो नॉइज़ जो वेइंग मशीन का जो कम्युनिकेशन वायर होता है उसको सिग्नल को ड्रॉप करता है। तो इसका नियम यही कहता है कि भाई आपका जो वेइंग मेट्रिक का सिस्टम पूरा अलग होना चाहिए और पैकिंग मशीन का वायरिंग अलग होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि लोगों के भी जो और अदर मैन्युफैक्चरर होते हैं, कम कॉस्ट के चक्कर में हल्का मशीन दे देते हैं, वो एक ही डिस्प्ले रखते हैं, वेइंग भी उसी से चलेगा आपका और पैकिंग मशीन भी उससे चलेगा, दोनों वायर एक जगह ही कर देते हैं जो वायरिंग होता है। जैसे पैकिंग मशीन का सेपरेट वायरिंग रहना चाहिए, वेइंग मशीन का पूरा सेपरेट वायरिंग रहना चाहिए, ऐसा वो लोग नहीं करते क्योंकि कॉस्ट का बहुत प्रेशर रहता है क्लाइंट्स के तौर पे भी। तो ऐसी मशीनें आप एक बार ले तो लेते हैं लेकिन फ्यूचर उसका ब्राइट नहीं है और फ्यूचर में उस मशीनों की इतना अच्छा स्मूथली वर्किंग नहीं करेगा आपका। इसका सिग्नल बहुत फास्ट होता है, बहुत हेवी मशीन है और ये जो मशीन है इसकी जो कीमत है वो एक रिजनेबल है। एक वॉल्यूम पे मशीन बेचने के साथ में हम लोग ये रिजनेबल प्राइस में मशीन दे रहे हैं, सिर्फ 10% प्रॉफिट के साथ में, जिसमें लेबर चार्जेस वगैरह आ गया, उस लेवल की हम लोग आपको हेवी ड्यूटी मशीन दे रहे हैं। इस वेइंग मशीन के अंदर में ये पूरा का पूरा पैक है, जो नमकीन का, ड्राई फ्रूट का, ये जो बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पे चूहों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वहाँ चूहे वायर काट देते हैं। उसके बाद में जब माल जो ये जो आपके मॉल हो गया या फैक्ट्री हो गया या दुकान हो गया, वहाँ पे काम करने वाले काफ़ी लोग होते हैं, वो चलते चलते से वायर को छेड़ देते हैं या गलती से भी हो जाता है, तो वायरिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है कि आपको रियल टाइम सर्विस चाहिए। अगर आपने कोई मशीन ली है, मान लीजिए बैंगलोर से मशीन ली है, तो बैंगलोर और जयपुर का जो डिस्टेंस है करीब 2000 किलोमीटर है, या तो बाय फ्लाइट आएगा वो आपके पास में तो बहुत कॉस्ट जाएगी आपकी, बाय रोड आएगा तो करीब उसको 4 दिन आने में लग जाएगा, क्योंकि उसको आप फ़ोन करोगे 2 घंटा 2 दिन पहले वो तैयारी करेगा आने के लिए, तो आपका 4 दिन का लॉस हो गया। तो उसमें क्या होता है कि जो वायरिंग का पर्पज़ होता है, यूरोपियन लोग जो है खुले जो मशीनें इंडिया में सेल करते हैं, जैसे जर्मनी की मशीनें होती है या चाइना की भी मशीनें भी देख लीजिए, उनके वायर खुले नहीं मिलेंगे। खुले वायर लगाने से सिग्नल ब्रेक होता है और वायरिंग में शॉर्टेज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो हमारी जो मशीन है इसमें आपको खुले वायर आपको नहीं मिलेंगे, मेल फीमेल सॉकेट मिलेंगे, हर एक चीज़ का सॉकेट, जिससे क्या होता है कि आप कोई भी काम करना है उस कनेक्शन को, कनेक्टर को निकाल दीजिए और आप अपना काम कर सकते हैं। वैसे ही हमारा वे मेट्रिक में हमने सिस्टम किया है, जो बहुत महंगी मशीनों में आपको ये सिस्टम मिलता है, जो वो एक नॉर्मल मशीन में हम लोग दे रहे हैं। हैवी ड्यूटी मशीन, गुड एक्यूरेसी और बिना किसी ब्रेकडाउन के आप मशीन चला सकते हैं। इसकी सर्विस करना भी बहुत आसान है और इंस्टॉलेशन करना भी बहुत आसान है। आपको अगर मान लो सर्विस का कुछ काम पड़ता है तो इस बेसिक मशीन, बेसिक जो सेटिंग है वो डिस्प्ले से हो गई है। जैसे बैच कटिंग, आपको लड़ी कटिंग करनी है, सिंगल पाउच चाहिए, लड़ी चाहिए, सीलिंग आपको कम ज़्यादा करना है तो आप डिस्प्ले से करना है। उसके बाद में आपको माल कब गिराना है वो आपको डिस्प्ले से करना है।
आपको पाउच की लंबाई कम ज़्यादा करनी है वो आपको डिस्प्ले से करनी है, यानी आपका 90% से लेके 80% जो वर्क है आपका डिस्प्ले से हो गया। जो आपका 20% वर्क जो बचता है वो है मैनुअली, जैसे सूट को सेट करना, रिबन वगैरह को सेट करना, ये। उसके बाद में वेइंग मशीन में आ जाते हैं, वेइंग मशीन के अंदर में भी सारा आपका डिस्प्ले से रहता है, वाइब्रेटर उसका सेटिंग करना हो, लोड सेल को जो भी टेयर करना है, या जो भी मान लीजिए कि आपको जो वेट डालना है, या कोई किस तरह का कितना एरर आ रहा है, स्पीड क्या आ रहा है, कौन सा हेड कब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका आउटपुट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, दिखाए आपको इनपुट आउटपुट में, आपको उसका स्ट्रेसेस देख सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में कौन सा आउटपुट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि भाई मेरा कोर्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा शटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरे वेइंग का सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारे आप इनपुट आउटपुट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं, ये यहाँ पे है आपका। उसके बाद में वेइंग सेटिंग, यानी आप यहाँ पे जो वेट सेट करेंगे वो यहाँ पे आप वजन वगैरह सेट कर सकते हैं, यहाँ वजन आप सेट कर सकते हैं, ये हेड वन का सेटिंग है, यह हेड टू का है, यह फ्लाइट मोड भी हमने दे रखा है, इन फ्लाइट जो आपको एक अलग सेटिंग होती है वो आपको विस्तार में कभी जब मशीन होगा उसमें आपको दोबारा बताऊंगा। उसके बाद में वेइंग सेटिंग आ गया, ये मैनुअल सेटिंग आ गया आपका, उसके बाद में ये वेइंग सेटिंग आ गया आपका। अब उसके बाद में मोटर सेटिंग, यानी इसमें स्टेपर मोटर है, उसकी मोटर की सेटिंग करने के लिए कैलकुलेशन करना हो, या टाइमिंग सेटिंग करना हो, या वेट सेटिंग करना हो, यह आपका जो वेट का सेटिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रोडक्शन को काउंट को वगैरह को आपको रिसेट करना हो तो आप यहाँ से रिसेट कर सकते हैं, कि हेड वन का कितना आउटपुट निकला, इसका कितना टोटलाइजर कितना हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे काउंटिंग बताएगा आपको। मशीन के लिए प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेइंग मशीन के लिए प्लेटफॉर्म अगर हैवी नहीं होगा तो ये हिलेगा तो वेट वेरिएशन आएगा। देखो तो मशीन के ऊपर में आप वेइंग स्केल कभी नहीं रखना चाहिए, कभी भी कोई आदमी मशीन बायर जब मशीन परचेस करते हैं तो पैकिंग मशीन के ऊपर में वेइंग मशीन नहीं होना चाहिए। जब चलती है उसका कंपन होता है ना तो उसमें लोड सेल पे इफेक्ट जाता है और वो वेट वेरिएशन भी आता है, और वो जो लोड सेल जो होता है वो हवा में हवा के वेट को भी आपको कैलकुलेट कर लेता है। तो ये क्या है, वर्किंग प्लेटफॉर्म है, चढ़ने के लिए सीढ़ी है। जब आप दाल पैक करेंगे तो दाल इतनी हाइट में आप दाल एक साथ में नहीं डाल पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के ऊपर में वहाँ पे एक साइड में आप कट्टे स्टोर कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का दो कारण था रखने के लिए, जैसे चिप्स पैक करते हैं तो चिप्स के जो करेट होता है वो चिप्स जो रहता है करेट में लगे रखा, प्लास्टिक का करेट होता है उसमें रखा हुआ रहता है ताकि हाथ ज़्यादा लगेंगे चिप्स टूट जाती है, तो आप पीछे वहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मशीन का बैक साइड के अंदर में आप स्टोरेज कर सकते हो, जब खाली होगा तब भर सकते हो। उसी जगह पे आप कट्टे वगैरह जो होते हैं आपके जो भरे हुए कट्टे आप 10-12 कट्टे आप रख सकते हैं, उसके बाद में डालते जाएंगे तो क्या होगा कि एक आदमी डालता हुआ रहेगा, नीचे से ऊपर लेके जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक साथ में। तो ये प्लेटफॉर्म हैवी होना चाहिए, प्लेटफॉर्म के पीछे रीजन आपका स्टोरेज मटेरियल के लिए, क्योंकि आप माल डालोगे नीचे से 7 फुट हाइट में कैसे माल डालोगे। चढ़ने के लिए सीढ़ी होनी चाहिए, सीढ़ी की कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन सीढ़ी का कारण क्या होता है, जब कोई आदमी ये मशीन लेता है तो वो क्या सीढ़ी में कंजूसाई करते हैं, टेबल लगा देते हैं, ये करते ऊपर प्रॉपर माल भी रख नहीं सकते और ढंग से चढ़ भी नहीं सकते, तो वो जुगाड़ से कभी अगर ये मान लीजिए इसकी सीढ़ी नहीं होगी वो सीधा चढ़ेगा, इसको पकड़ेगा, इसको लोड सेल को पकड़ेगा तो लोड सेल डैमेज हो जाएगा। अभी हम जो टेस्टिंग करेंगे वो करेंगे नमकीन का, तो ये पूरा का पूरा पैक आपका, देखो कहीं से भी कोई ओपन नहीं है। इंडिया में इस तरह की वेइंग मशीन मिलना बहुत मुश्किल काम है, इतनी हार्ड इंजीनियरिंग बहुत कम लोग कर पाते, करते ही नहीं है, सबको पैसा चाहिए, वो R&D कुछ करते ही नहीं है, सब चाइना पे निर्भर होना चाहते हैं। इंडिया में कोई कुछ बनाने की इच्छा शक्ति नहीं रखते नहीं है। हम लोगों ने ये मैकिंग स्टार्ट किया, बहुत टाइम लगा ये मैकिंग स्टार्ट करने में, डिज़ाइन तैयार करने में, कि हम ऐसा डिज़ाइन तैयार करें कि इंडिया में ऐसा डिज़ाइन बहुत कम लोगों के पास हो। अगर वो जो बड़ी कंपनियों के पास है तो वो इतनी महंगी मशीन होती है कि आप ले नहीं सकते, काफ़ी महंगी। अब इसको हॉपर को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे स्लोट दिया हुआ है, हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, चिप्स में अपने को हाइट बढ़ाना होता है नहीं तो चिप्स टूटने लग जाता है, तो वो कर सकते हैं। अब एकदम स्मूथली वेइंग मशीन चल रहा है आपका, मोटराइज सिस्टम है, इतना अच्छा मशीन इंडिया में बनाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमने ये मैन्युफैक्चरिंग करके दिखाया है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इतना अच्छा मशीन शायद ही बहुत मुश्किल काम है। ये दो हेड का वेइंग हो गया आपका, ये हेड आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया आपका,
ये दोनों का वाइब्रेशन आप इसका शटर कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, और इसमें चिप्स वगैरह टूटेगा नहीं क्योंकि इसका जो हॉपर का जो डिज़ाइन है वो एकदम डिग्री के अंदर में है। ताकि सीधा हॉपर होता तो शायद चिप्स उसमें ज़्यादा टूटता, इसमें चिप्स का डैमेजेस बहुत कम है आपका। और ये जो आपको जो स्पेस मिल रहा है ना, आप यहाँ पे कट्टे या बैग स्टोरेज कर सकते हो फिर इसमें डालने के लिए, ताकि आपका टाइम बच जाए। ये पूरा का पूरा वेइंग स्केल पैक है, पूरा वेइंग स्केल आप देखेंगे पूरा पैक किया हुआ है, कहीं से भी कुछ ओपन नहीं है। ये वाइब्रेटर जो फीडर है ये भी पैक है आपका, जब आपको इसको कुछ काम करना रहता है ये कवर इसका रिमूव हो जाता है और सीधा आप अपना काम कर सकते हैं। नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, ड्राई फ्रूट, शुगर, टी, इस तरह का इसका आपका बेस नंबर वगैरह आ जाता है, आपका जो MRP वगैरह आप डालते हैं वो सारा आ जाता है। और इसका वजन देख सकते हैं, एक्चुअली क्या है 3-4 ग्राम पाउच का है और हमने कुछ 50 प्लस सेट कर रखा है। बहुत बेहतरीन मशीन है, एक बार आप लगा के देखेंगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक बेसिक मशीन में जो फीचर्स होने चाहिए जो हायर मशीन में आता है वो फीचर्स सारे इसमें अवेलेबल है। स्मूथनेस चलाने का पूरा रिमोट पैनल हो गया, वेइंग स्केल का पैनल हो गया, दो डिवाइडेशन में मशीन है और आराम से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। किसी टेक्नीशियन या इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। www.packingmachineworld.com नाम से हमारी वेबसाइट है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@packingmachineworld.com। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9828549294, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बेसिकली मेरे को जो बताना था मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसे लगे लाइक करना ना भूलिएगा। बेसिकली हम अब रनिंग मशीन को रन में दिखाना है करीब 2 मिनट का, तो आप देखिए। थैंक यू। माल डालियो और फिर है ना मैं वीडियो बना लिया। आवाज क्यों कर रहे हो? मोबाइल आ रहा है आपका बीच। हटना हटना यहाँ से हटना।